हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। तो सर, आज जो ये सब्जेक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। मैं लिख देता हूँ आपके साथ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर, मैं कुछ बातें आपको बता दूँ। ये जो वीडियोज है, ये हम लोग CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर कर रहे हैं। यस, दीज वीडियोज आर एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल स्टूडेंट्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है जो आपके एग्जाम है December 2020 में, उनके हिसाब से लेटेस्ट रिकॉर्डिंग की गई है। तो एक भी क्लास पुरानी नहीं रहेगी, सारी फ्रेश रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। राइट सर, देखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में हमारे पास दो चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एक GST और एक कस्टम। GST और कस्टम बेसिकली दो चीजें हैं, कुछ केसेस केस लॉस भी हैं, वो अलग है, लेकिन GST एंड कस्टम दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सर, मैं स्टार्ट GST से करूंगा, लेकिन मैं बता दूं, आज की क्लास जो है वो पूरी तरह इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। इंट्रोडक्टरी का मतलब है मैं फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू करने वाला हूं। मैं ये भूल जाऊंगा कि आपने पहले पढ़ा है। मैं जानता हूं आपने इंटर लेवल पर GST कस्टम पढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं फाइनल लेवल का पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं इंटर लेवल को उसके अंदर इंक्लूड करके चलूंगा। मैं शुरू से चलूंगा, टैक्स क्या होता है मैं यहां से शुरू करूंगा, टैक्स का मतलब क्या है मैं यहां से शुरू करूंगा, और फाइनल के लेवल को लेकर उसके आखिर तक जाऊंगा। GST क्या है, कस्टम क्या है, आई होप इट इज क्लियर। तो सर, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम ये बात कर लें कि टैक्स क्या होता है। देखिए, इंडिया में टैक्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सर देखिए, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स शुरू करना है, मैं जानता हूं। स्टूडेंट कहता है जी आपने आज GST शुरू करना था। बिल्कुल, मैं आज GST शुरू करने वाला हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि देखो, GST भी तो एक टैक्स है ना। GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये भी तो एक टैक्स है ना। तो क्यों ना हम GST को शुरू करने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि टैक्स क्या है, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, फिर इनडायरेक्ट के थ्रू हम GST तक पहुंचे और फिर हम अपने GST को आगे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। एम आई राइट? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं टैक्सेस क्या है, टैक्स क्या है बेसिकली, यहां से शुरू करते हैं। देखिए सर, मैं आपको इसके PPT के थ्रू पढ़ाऊंगा। आपको PPT मैंने बना रखी है, आपके पास बुक है, बुक में मोस्टली PPTs कवर्ड है। राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हां जी, व्हाट इज टैक्स? अब क्वेश्चन है व्हाट इज टैक्स, टैक्स क्या है? सर देखिए, ज्यादातर लोग टैक्स को टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं टैक्स एक तरह से गवर्नमेंट को की जाने वाली पेमेंट है, टैक्स एक तरह से कंपल्सरी पेमेंट है, टैक्स ये है, टैक्स वो है। लोग टैक्स को गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन नहीं करते। देखिए, अगर हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया है तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स आया भी तो है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों तरफ से आपको टैक्स की डेफिनेशन बताऊं कि गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है और जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स क्या है। जो टैक्स दे रही है उनके लिए टैक्स क्या है और जो टैक्स ले रहे हैं उनके लिए टैक्स क्या है। देखिए, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये गवर्नमेंट के लिए एक रेवेन्यू है। टैक्स इज द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। क्या मतलब बना इसका? सर देखिए, जिस तरह से घर चलाने के लिए घर के मुखिया को, घर के हेड ऑफ द फैमिली को पैसे की जरूरत होती है, राइट? इसी तरह देश चलाने के लिए देश के मुखिया को, देश के हेड को पैसे की जरूरत होती है। अब वो बंदा पैसा कहां से मांगेगा? सर वो तो अपनी पब्लिक से ही पैसा मांगेगा, भीख थोड़ी ना मांगेगा, हक से मांगेगा। तो गवर्नमेंट के लिए जो पब्लिक से लिया गया टैक्स है वो एक तरह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, लेकिन गवर्नमेंट इस रेवेन्यू को पब्लिक के लिए ही यूज करती है। तो टैक्स इज द रेवेन्यू, बेसिकली इट इज अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एंड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सर आपको पता है गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, डैम बनाती है, पब्लिक टॉयलेट्स बनाती है, मेट्रो चलाती है, ये सब पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आता है? अब गवर्नमेंट कोई बिजनेस थोड़ी करती है,
गवर्नमेंट अपनी जनता के साथ कोई व्यापार थोड़ी करती है, वो तो लोगों से टैक्स का पैसा लेती है और लोगों पर ही यूज कर देती है। देखिए जिस तरह आप जानते हैं कोरोना की महामारी चल रही है, कोरोना का महामारी वाला जो टाइम है वो चल रहा है, इस समय में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, गवर्नमेंट ने लोगों को लाखों करोड़ों लोगों को फ्री में खाना खिलाया है, जो लोग मतलब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनकी मदद की है, तो वो सब पैसा गवर्नमेंट के पास कहां से आया? ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट ने पहले टैक्स पेयर से लिया हुआ है, अब गवर्नमेंट उन्हीं लोगों के लिए यूज कर रही है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए प्लीज, ये तो बात हो गई टैक्स की गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अब हम बात करते हैं टैक्स जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। सर देखिए, अगर मैं टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसकी डेफिनेशन है टैक्स की, और बड़ी सारी डेफिनेशन है, 4-5 डेफिनेशन मैंने भी आपकी बुक में लिखी हुई है, लेकिन वो डेफिनेशन मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। पहले मैं एक जनरल सी डेफिनेशन बनाता हूं, एक नॉर्मल डेफिनेशन बनाता हूं कॉमन सेंस के बेस पर कि टैक्स का मतलब क्या है, जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का मतलब क्या है। मैं कॉमन सी डेफिनेशन बनाता हूं, उस डेफिनेशन को पकड़ते हैं और आगे चलते हैं। सर मेरे हिसाब से टैक्स पेयर का मतलब है, टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स का मतलब है कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, वो पेमेंट जो हमें गवर्नमेंट को करनी ही पड़ेगी। टैक्स कोई वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन नहीं है, टैक्स कोई डोनेशन नहीं है कि मेरा मन करेगा तो मैं दूंगा, मेरा मन करेगा तो मैं नहीं दूंगा। सर अगर आपके ऊपर टैक्स देना बनता है तो आपको देना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी है, ये कोई आपकी मर्जी का दिया हुआ पैसा नहीं है, ये आपको देना पड़ेगा, इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट। देखिए सर, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देना, आपको इस कंपल्सरी वर्ड का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूं सर मैंने सरकार को 2 लाख रुपए का टैक्स दिया, क्या मैं सरकार से यह क्वेश्चन कर सकता हूं कि सरकार मैंने आपको 2 लाख का टैक्स दिया, बदले में आपने एग्जैक्टली 2 लाख का मुझे क्या दिया? नहीं, मैं ये क्वेश्चन नहीं कर सकता। अगर ये क्वेश्चन मैंने किया तो फिर भी शायद चल जाए, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, उन्होंने कर दिया तो उन्होंने बोला सर हमने आपको 1400 करोड़ का टैक्स दिया, बदले में आपने हमें क्या दिया? सरकार बोलेगी हमने मेट्रो चलाई, वो बोलेगी हम तो मेट्रो यूज ही नहीं करते, बोलेगी हमने पब्लिक टॉयलेट बनाए, बोलेगी कैसी बातें कर रहे हो, हम पब्लिक टॉयलेट यूज करेंगे क्या? तो भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है कि हम सरकार को जो टैक्स देंगे बदले में ये पूछेंगे कि आपने हमें क्या दिया। सरकार उन पैसों का क्या करेगी वो सरकार पर डिपेंड करेगा, सरकार उनको किस जगह पे यूज करेगी वो सब सरकार पर डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि जिस आदमी ने जितना दिया सरकार उसको बदले में उसको उतना ही देगी, ये एक कंपल्सरी पेमेंट है जो आपको करनी ही करनी है, बदले में आपको क्या मिला इससे आपको कोई मतलब नहीं है। दैट इज वाई मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट, कंपल्सरी पेमेंट देनी पड़ेगी आपको टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? बच्चा कहता है सरकार। अरे मैंने कहा सरकार तो गवर्नमेंट की हिंदी है यार, हिंदी में बोलते हैं सरकार, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सर देखिए, इंडिया में, इंडिया एक फेडरल कंट्री है, जैसे कि आप जानते हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यहां पर 2 गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है, एक साथ रन करती है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है। अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां पर मोदी जी है, और अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो वहां हर स्टेट में हर बंदा अलग है, हर स्टेट का हर मिनिस्टर अलग है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट की बात चलेगी तो केजरीवाल जी सामने आएंगे, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी सामने आएंगे, अगर मैं यूपी की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ जी सामने आएंगे, अगर मैं मुंबई की बात करूं तो उद्धव ठाकरे जी सामने आएंगे। तो भाई हमारे सामने दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सर आप जानते हैं पैसा सेंट्रल को भी चाहिए और पैसा स्टेट को भी चाहिए, पैसा मोदी जी को भी चाहिए, पैसा केजरीवाल को भी चाहिए, केजरीवाल को स्टेट चलानी है, मोदी जी को सेंटर चलाना है, पूरा देश चलाना है, तो पैसे दोनों को चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि आप बताइए ये जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं ये कौन सी गवर्नमेंट को देते हैं, ये हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं या हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, कौन सी गवर्नमेंट को देते हैं हम? अब स्टूडेंट कहता जी ये बात कहां की कहां पहुंच गई, हमें तो यही पता था कि पैसा जो टैक्स है वो सरकार को देते हैं, लेकिन अब मतलब केंद्र सरकार को देते हैं या राज्य सरकार को देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं या स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, ये कैसे पता लगेगा? आइए चलिए सर आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं ये जानने की कि ये बात कहां लिखी हुई है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा।
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी पावर जो है ना वो संविधान है। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक सेवन स्केड्यूल है, आर्टिकल 246 है, वहां पर एक सेवन स्केड्यूल है। सेवन स्केड्यूल में तीन लिस्टें बनी हुई है सर, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉनकरेंट लिस्ट। सर जो यूनियन लिस्ट है ना, इस लिस्ट में जो भी मैटर लिखा है, इस लिस्ट में जो भी मैटर लिखा होगा ना, उसके ऊपर लॉ बनाने की पावर है पार्लियामेंट के पास। सर मैं आपको बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है पर लॉ बनाने की नहीं है। लॉ कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाता, लॉ हमेशा पार्लियामेंट बनाती है। बाद में क्या करती है पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है उसमें जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेलीगेट कर देती है कि जब आप लगा लेना टैक्स और कलेक्ट कर लेना। हमने लॉ बना दिया है, अब टैक्स लगाने की पावर और टैक्स कलेक्ट करने की पावर हम आपको दे देते हैं। तो हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट है बट लॉ हमेशा पार्लियामेंट बनाती है। तो लॉ कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि यूनियन लिस्ट में जिन टैक्सेस का नाम लिखा गया, उन टैक्सेस के ऊपर जो लॉ बनाया जाएगा वो पार्लियामेंट बनाएगी और पावर डेलीगेट करी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट लिस्ट में जो लॉ बनाया जाएगा, जिन मैटर को स्टेट लिस्ट में लिखा जाएगा, उन पर लॉ बनाएगी स्टेट लेजिस्लेचर और पावर दे दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कॉन्करेंट लिस्ट में जिन लॉज का, जिन टैक्सेस का नाम लिखा जाएगा, उनके ऊपर लॉ दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं और दोनों के पास पावर होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास। देखिए, बी आर अंबेडकर जी ने हमारा भारत का संविधान बनाया था, बहुत समझदार इंसान थे जिन्होंने इतना बड़ा संविधान बनाया। वो जानते थे कि हमारा देश एक फेडरल कंट्री है जहां पर दो गवर्नमेंट पैरेलल रन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। वो जानते थे कि फ्यूचर में इस बात का झगड़ा जरूर होगा कि ये टैक्स के पैसे मेरे, ये टैक्स के पैसे मेरे। उन्होंने शुरू में ही डिसाइड कर दिया कि मैं तीन लिस्टें बना रहा हूं, जो लिस्ट सेंट्रल लिस्ट है, जो लिस्ट यूनियन लिस्ट है, उसमें जो लॉ होगा वो सेंटर का होगा, वो टैक्स सेंटर का होगा, जो स्टेट लिस्ट में होगा वो स्टेट का होगा। अब सुनो, मैं आपको बताता हूं कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट का है। आइए, एक एंट्री नंबर है, एंट्री नंबर 82। अब ये एंट्री नंबर क्या होती है, इस बात से आप कंफ्यूज मत हो जाना। एंट्री नंबर कुछ नहीं है, एंट्री नंबर एक तरह से जैसे हम रजिस्टर में कोई चीज लिखते हैं तो कोई एंट्री नंबर डाल देते हैं, वो एक तरह से एंट्री नंबर, आप इस तरीके से समझ लो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 में लिखा गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मैं वैसे एग्जैक्टली बताऊं ना तो एंट्री नंबर 82 में लिखा गया था टैक्स ऑन इनकम। एक ही बात है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। हां जी, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 में लिखा गया जो इनकम के ऊपर टैक्स है उसके ऊपर जो लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगी, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर लगने वाले टैक्स को छोड़कर। यानी कि पार्लियामेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगा पाए। कई लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स माफ होता है। अरे माफ क्या होता है, इनकी औकात ही नहीं है कि ये टैक्स लगा ले, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरू से ही बाहर किया गया। तो सर एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। मैं आपको दिखा दूंगा जो एंट्री है वो स्टेट लिस्ट में कहां लिखी हुई है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। हालांकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगा रही है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश में किसानों की जो हालत है वो थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते कि टैक्स लगाएं और स्टेट पर ही भारी पड़ जाए, जनता बिगड़ जाए, इसलिए कोई स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती नहीं है। लेकिन पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। हां जी, तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जो है वो जो लॉ बनेगा उसे पार्लियामेंट बनाएगी और उसका पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, अब आप जवाब दे सकते हैं सर अगर बात आप टैक्स की कर रहे हो और उसमें अगर आप इनकम टैक्स की बात कर रहे हो तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। मैं पूछूंगा तुम कैसे कह सकते हो, आप बोलोगे सर देखिए यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 82 में ये बात लिखी हुई है और जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा होता है वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद बात करते हैं एंट्री नंबर 83 की, जिसमें लिखा हुआ है कस्टम। कस्टम नाम का जो टैक्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाला जो टैक्स है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में गया, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में गया, और वो वैसे जाना भी चाहिए था। आपको क्या लगता है कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री का जो मैटर है, वो लोकल मैटर है या इंटरनेशनल मैटर है? ऑब्वियसली सर, इंटरनेशनल मैटर है। दिल्ली से अमेरिका सामान जा रहा है, अमेरिका से दिल्ली आ रहा है, ये तो इंटरनेशनल मैटर है। तो वैसे भी मुझे लगता है कि ये सेंट्रल के हिस्से में आना चाहिए था। तो यस, कस्टम लॉ जो है वो सेंट्रल के हिस्से में आ गया एंट्री नंबर 83 से। देन एक एंट्री नंबर 84 है जहां पर लिखा है एक्साइज। एक्साइज, अब रुकिए, देखिए सर, मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा वन बाय वन, प्लीज ध्यान देना, मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा तभी आपको क्लैरिटी आएगी। देखो, जब टैक्सेस बट रहे थे कि कौन सा सेंटर के हिस्से में कौन सा स्टेट के हिस्से में, जब टैक्सेस बीआर अंबेडकर जी उस टाइम पे बांट रहे थे कि सेंटर के हिस्से में इनकम टैक्स, सेंटर वालों इनकम टैक्स तुम्हारा, सेंटर वालों कस्टम तुम्हारा, तो देखिए स्टेट्स एक तरफ खड़ी थी, ऐसा अज्यूम कर लीजिए, अब क्या कर सकते हैं, अज्यूम करिए, एक तरफ सेंटर खड़ी थी, इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो टैक्सेस बांट रही थी, भारत का संविधान टैक्सेस बांट रहा था। उन्होंने बोला इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट खड़ी बोल रही है कि हमें भी कुछ दोगे या सारा सेंटर को दे दोगे? बोले रुको रुको, तुम्हारी बारी भी आएगी। बोले बारी क्या आएगी, बट रहे हैं तो बड़े बड़े टैक्स तो बांट दिए आपने इनको। अब अगले टैक्स की जिसकी बात चली वो मैं बता दूं आपको, ध्यान देना प्लीज ध्यान देना। एक ना इंडिया में अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ध्यान देना प्लीज, अगर हम इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है जिसका नाम है एक्साइज। एक्साइज ड्यूटी कहते हैं इसको, एक्साइज ड्यूटी। ड्यूटी इज जस्ट लाइक ए टैक्स, आप एक बार के लिए ऐसे समझ लो। तो अगर कोई बंदा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करता है तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइज ड्यूटी। जैसे मान लीजिए कोई बंदा फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कोई लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कोई सोफा मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कोई एसी मैन्युफैक्चर कर रहा है, एक्साइज ड्यूटी लगेगी। आप इंडिया में कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक्साइज ड्यूटी लगेगी। एक्साइज ड्यूटी का नाम का टैक्स आपको देना पड़ेगा, और इसका सेल से कनेक्शन नहीं है, इसका कोई सेल से कनेक्शन नहीं है कि आप सेल कर रहे हो तो लग रहा है, ये आप बना रहे हो इसलिए लग रहा है। बेचो ना बेचो आपकी मर्जी, आपने प्रोडक्ट बनाया है, आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी का भार लेवी हो गया, यानी कि आपके ऊपर एक्साइज ड्यूटी तो लेवी हो गई। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला जी यही हमें दे दो, इनकम टैक्स तो आपने दे दिया सेंटर वालों को, कस्टम तो आपने दे दिया सेंटर वालों को, कम से कम एक्साइज ड्यूटी हमें दे दो। देखिए गवर्नमेंट ने कहा, देखिए एक्साइज ड्यूटी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, और वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे लगती है, जो हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं उनके ऊपर लगती है। बोले बिल्कुल लगती है जी। अब बोले काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है हम गुड्स को बांट लेते हैं, कुछ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स सेंटर ले लेगी, कुछ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स स्टेट ले लेगी। ऐसा कर लेते हैं भाई, सारा इंडिया में जितनी भी गुड्स मैन्युफैक्चर होती हैं उन सभी पर एक्साइज ड्यूटी स्टेट को देना तो ठीक नहीं है, सेंटर के हिस्से में अभी आना चाहिए। लेकिन ऐसा करते हैं, गुड्स को बांट लेते हैं, कुछ गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग करने पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी स्टेट की, कुछ गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी सेंटर की। मोदी जी ने कहा ठीक है, ये तरीका सही है, बांट दो। केजरीवाल जी, मैं केजरीवाल इसलिए बोल रहा हूं, मैं अब दिल्ली से हूं तो मैं दिल्ली के स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं वहां से बोलूंगा, ऐसा मान लो। आप अगर आप पंजाब से हो तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से समझ लो, अगर आप यूपी से हो तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोल लो। तो मान लीजिए मोदी जी और केजरीवाल जी दो लोग खड़े, केजरीवाल ने कहा जी देखो इंडिया में लाखों तरह की गुड्स मैन्युफैक्चर होती है, लाखों तरह की, भारत के संविधान यानी बी आर अंबेडकर जी ने कहा, यस, ये सब एग्जांपल है समझाने के लिए, बी आर अंबेडकर जी के टाइम पे केजरीवाल पैदा भी पता नहीं हुए थे कि नहीं हुए थे, छोड़ो। तो भारत के संविधान में बोले भाई इंडिया में लाखों तरह की गुड्स मैन्युफैक्चर होती है, केजरीवाल जी कहे देखो आप हमें ना सिर्फ तीन गुड्स के ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग करने पर ड्यूटी है ना वो हमें दे दो, बाकी लाखों तरह की गुड्स पर ड्यूटी दे दो मोदी जी को, हमें कोई एतराज नहीं,
हमें सिर्फ तीन तरह की गुड्स के ऊपर ड्यूटी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग पर, ओनली थ्री टाइप्स ऑफ गुड्स, हमें तीन गुड्स दे दो जिनकी मैन्युफैक्चरिंग पर जो एक्साइज ड्यूटी है वो हमारी। मोदी जी बोले वाह, लाखों तरह की गुड्स है, ये केजरीवाल सिर्फ तीन ही गुड्स मांग रहा है। बोले दे दो जी इसको, दे दो तीन, कोई दिक्कत नहीं है। बोले लेकिन च्वाइस हमारी होगी तीन गुड्स की। बोले ठीक है बोलो। तो अंबेडकर जी ने बोला बताओ कौन सी तीन गुड्स पे चाहिए। बोला जी देखो, एक तो मुझे चाहिए अल्कोहल पर, अल्कोहल जो है अल्कोहल फॉर, या आप इसे बोलो लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। पहली गुड्स उन्होंने मांगी लीकर, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो वाली लीकर जो इंडिया में ठेकों पे मिलती है ना। मेरा मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीकर तो मेडिसिन में भी डलती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं मांगा केजरीवाल जी ने, वो लीकर जो ठेकों पे मिलती है, जिसे हम लोग विस्की, बियर, वाइन, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, रम, जिन, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़े सारे नाम है, वो सब जो है ना, वो जो अल्कोहलिक लीकर है उसके ऊपर जितनी भी एक्साइज ड्यूटी ना वो हमें दे दो। मोदी जी बोले ये तो गलत हो गया, ऐसा मानो महाभारत में कृष्ण तो इसी ने मांग लिया। भाई सबसे ज्यादा आने वाला पैसा तो लीकर से होता है और वो लीकर ही इसने मांग ली। अब सबसे ज्यादा रेवेन्यू तो लीकर पे ही आता है, हम सभी जानते हैं इंडिया में लीकर पर रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, इंडिया में लीकर पर रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। खुशी हो या गम हो, लीकर का बिजनेस दोनों केस में चलता है। एग्जाम में बच्चा जो पास होते हैं वो भी और जो फेल होते हैं वो भी, शाम को दोनों वहीं मिलते हैं। पास वाला खुशी में, फेल वाला दुख में। भाई सीधी सी बात है, लीकर का बिजनेस इंडिया में टॉप पे चलता है। यस और नो? अब मोदी जी ने बोला जी अब मांग लिया तो दे दो, क्या कर सकते हैं। तो लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो है वो दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि जो भी लीकर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी नाम का टैक्स है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। देखिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। आप मुझे ये बताओ जो लीकर का रेट है वो पूरे इंडिया में सेम है या हर स्टेट में अलग होता है? आप बताओ। आप बच्चा कहता है जी हर स्टेट में अलग होता है। मैं कहा वेरी गुड, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन फॉर योर नॉलेज, मतलब अच्छी नॉलेज ले रखी है तुमने, मतलब और किसी बात का पता होना हो ये जरूर पता है कि लीकर का रेट पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग होता है। वो इसीलिए होता है कि इसके ऊपर जो ड्यूटी है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से ड्यूटी लगाती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा ड्यूटी लगाती है वहां लीकर महंगी होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट ड्यूटी कम लगाती है वहां लीकर सस्ती होती है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके सर, ये बात तो हमें समझ में आ गई, और बताओ। हां जी, तो लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन क्लियर हो गया। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा जी दूसरी गुड्स हमें दे दो ओपीएम। ओपीएम का मतलब होता है अफीम। बच्चा कहता है जी अफीम तो इलीगल है। अरे अफीम इलीगल है लेकिन अफीम की खेती इंडिया में लीगल है। राजस्थान में अफीम की खेती होती है, ऐसा नहीं है, वो तो लीगल है। तो सर खेती होती है तो वो तो मैन्युफैक्चर है, सॉरी खेती होती है तो खेती कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी है, वो तो प्रोडक्शन है। मैं आपको बता दूं एक्साइज ड्यूटी जो है वो खाली मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे लगती है। तो अगर कोई बंदा इंडिया में अफीम की खेती करता है तो उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो कि अब स्टेट गवर्नमेंट को जाएगी। ठीक है सर, तीसरा नाम बताओ। केजरीवाल ने कहा जी देखो हमने नशे की चीजें ले ली है दो, हमने लीकर ले लिया है, हमने अफीम ले लिया है, तो तीसरी भी हमें नशे की दे दो। इन्होंने बोला जी हमें नैरकोटिक्स आइटम्स जो होती है, नैरकोटिक्स ड्रग्स या आइटम्स जो है वो हमें दे दो। नैरकोटिक्स यानी कि चरस, गांजा, हीरोइन, वो फिल्मों वाली हीरोइन नहीं, ये अलग होती है, वो दे दो। तो भाई ये तीन चीजें केजरीवाल जी के हिस्से में आ गई, यानी कि स्टेट के हिस्से में आ गई। तो मैं आपको बता दूं अगर अल्कोहलिक लीकर का मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडिया के अंदर तो एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। ओपीएम का प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। नैरकोटिक्स का प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। मोदी जी बोले अब हमारे पास बचा ही क्या, क्या हम ये अलमारी मैन्युफैक्चर करने पर, अलमीरा मैन्युफैक्चर करने पे, टेबल मैन्युफैक्चर करने पे, लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने, इन्हीं से पैसा कमा पाएंगे? माना ये आइटम लाखों है लेकिन पैसे कमाने वाले आइटम तो हमारे हाथ से गई। केजरीवाल ने कहा देखो हमने तीन आइटम मांगी है, शुक्र मनाओ हमने चार नहीं मांगी, चौथी आइटम आज भी आपके पास है जो सबसे ज्यादा पैसा कमा के देगी आपको,
मोदी जी ने कहा जब हमारे पास क्या रहेगा, बोले टबैको, सिगार, सिगरेट, पान मसाला, बीड़ी, इन पर भी इंडिया में लाखों करोड़ों का रेवेन्यू आता है। हाँ ये बात तो सही है। तो मैं बोलूंगा सेंटर के हिस्से में क्या आया, टबैको एंड अदर गुड्स, टबैको एंड अदर गुड्स। अदर गुड्स में तो दुनिया जहान की गुड्स है, लेकिन टबैको में अगर हम बात करें तो सिगार आ गया, सिगरेट्स आ गई या पान मसाला आ गया, वो रजनीगंधा आ गया, गंदी गंदी चीजें होती हैं, जो गुटखा हो गया, गुटखा आ गया, ये सब चीजें जो है ना वो सेंटर के हिस्से में आ गई। और प्लस जितने भी अदर गुड्स हैं, एग्जांपल के लिए अलमीरा, फर्नीचर, टेबल, लैपटॉप, एसी, जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है वो सब सेंटर के हिस्से में आ गया। तो मैं बोलूंगा अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता है, एक्साइज नाम की ड्यूटी लगती है, तो वो सेंटर की है, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उसे हम बोलेंगे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और जो इन तीन आइटम के ऊपर टैक्स नाम की ड्यूटी लगती है, इसे हम बोलेंगे स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ये जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को और ये जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये वाली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर अब तो क्लियर हो गया कि इनकम टैक्स सेंटर का, कस्टम सेंटर का। अगर एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो गुड्स पर डिपेंड करेगा कौन सी सेंटर की, कौन सी स्टेट की। लीकर, ओपियम, नैरकोटिक्स पर आने वाली एक्साइज ड्यूटी स्टेट की, और इसके अलावा जितने भी आइटम्स हैं उनके ऊपर आने वाली ड्यूटी जो है वो जाएगी सेंटर की। देखिए सर आपकी नॉलेज अपडेट कर देता हूं, और अपडेट क्या, आपको ऑलरेडी मुझसे ज्यादा नॉलेज है। ये जो सिगरेट है, सिगरेट, इसका रेट पूरे इंडिया में सेम होता है या स्टेट टू स्टेट में अलग होता है? सर सिगरेट का रेट पूरे इंडिया में सेम होता है। रजनीगंधा, पान मसाला, इनका रेट आप देख लो पूरे इंडिया में सेम होता है, बिकॉज इनके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है और वो सेम होती है, इसलिए पूरे इंडिया में इनका रेट सेम होता है। आई होप इट इज क्लियर। हां जी वापस चलते हैं, हम जहां पे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th स्केड्यूल पढ़ रहे थे, हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। पहले हमने डिस्कस किया था टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये थी कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। तो हमने क्लैरिटी आनी शुरू हो गई हमारे पास कि देखिए तीन लिस्टें हैं, लिस्ट के अकॉर्डिंग टैक्स जाता है। यूनियन लिस्ट में जो लिखा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। नंबर वन इनकम टैक्स जाएगा, नंबर टू कस्टम जाएगा, नंबर थ्री एक्साइज जाएगा। अब देखो, अब मैं आगे बात करना चाहूंगा एक और। सर एक टैक्स इंडिया में है सेल्स टैक्स। हां जी सर, सेल्स टैक्स है, सेल पर लगने वाला टैक्स भी सेल टैक्स कहलाता है, राइट। सर अब फिर से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी है कि ये टैक्स किसको जाएगा। इनकम टैक्स तो सेंटर ले गई, कस्टम तो सेंटर ले गई, एक्साइज भी मेजोरिटी आइटम्स पर सेंटर ले गई, सिर्फ तीन आइटम पर स्टेट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट ने बी आर अंबेडकर जी को कहा देखो जी ये टैक्स हमारा है, इसमें सेंटर को मत देना, अब ये जो स्टेट सेल टैक्स है ना ये हमारा है। बी आर अंबेडकर ने कहा जी ठीक है, जो सेल टैक्स है वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो मतलब सेल टैक्स जो है वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का, यानी केजरीवाल जी का है। बात समझ में आ रही है? इनकम टैक्स किसका है? सेंट्रल का। एक्साइज किसका है? डिपेंड करता है कौन सी गुड्स की बात कर रहे हो। कस्टम किसका है? सेंटर का। सेल टैक्स किसका है? स्टेट का। सेल टैक्स पूरी तरह से स्टेट का है। प्लीज 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 मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना सर। अब यहां पर एक छोटा सा इशू है, अगर आप वो इशू समझ जाएं तो आप वो क्लैरिटी हो जाएगी। सर देखिए मान लीजिए सेल ना सेल की अगर मैं बात करूं, सेल की बात करूं, दो तरह की सेल होती है। एक होती है सर इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल इसका मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट सेल, विद इन द सेम स्टेट सेल का होना, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल। एक होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल होना, बिटवीन टू स्टेट सेल होना, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल। प्लीज समझ लेना सर, इंटर स्टेट सेल। इंटर स्टेट सेल इसमें क्या होता है, बिटवीन टू स्टेट जो सेल होती है ना, दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट सेल। केजरीवाल जी ने कहा देखो ये बातें करके हमें कंफ्यूज मत करो, अब चाहे सेल इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, पैसा स्टेट का है, सेंटर को नहीं जाएगा।
मोदी जी ने कहा जी हमें चाहिए भी नहीं सेल टैक्स का पैसा, आप ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेल टैक्स पर आने वाला पैसा स्टेट को दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। अब वो इंट्रा स्टेट सेल हो या इंटर स्टेट सेल हो, बिल्कुल सही है सर। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है जैसे दिल्ली से दिल्ली के अंदर होने वाली सेल, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सेल विद इन द सेम स्टेट। इंटर स्टेट सेल का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, जैसे मान लीजिए दिल्ली से सेल हुई पंजाब के बीच, पंजाब को सेल की गई लेकिन दिल्ली से पंजाब, तो ये इंटर स्टेट सेल है। सर देखिए जब दिल्ली से दिल्ली में सेल हुई तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि टैक्स जो है वो दिल्ली को ही जाएगा क्योंकि दिल्ली से दिल्ली में ही सेल हो रही है। कंफ्यूजन तब हुई जब सेल दिल्ली से पंजाब हुई। क्या कंफ्यूजन हुई? सर देखिए ये बात तो श्योर है कि पैसा स्टेट का है, लेकिन क्वेश्चन ये था कौन सी स्टेट का। दिल्ली वाले कहते जी ये पैसा टैक्स का हमारा है, सेल हमने की है, सामान हमारे यहां से गया है, सामान हमारे यहां बना था, पैसा तो हमारा ही बनता है। पंजाब वाले बोले नहीं जी नहीं, ये पैसा हमारा है, पंजाब में सेल दिल्ली से जरूर हुई है लेकिन गुड्स का कंजम्पशन तो पंजाब में हुआ है, गुड्स का अल्टीमेट कंज्यूम्ड पंजाब में हुआ है, पैसा हमने हमारे लोगों ने दिया है, पैसा हमारी गवर्नमेंट को ही मिलना चाहिए। तो ये झगड़ा हो गया, ये झगड़ा हो गया कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल होगी तो क्वेश्चन ये आ गया पैसा कौन सी गवर्नमेंट को जाए, जिस स्टेट से पैसा सामान चला है उसको जाए या जिस स्टेट में सामान पहुंचा है उसको जाए। झगड़े बढ़ने लग गए, झगड़े बढ़ने लग गए। मान लीजिए दिल्ली से पंजाब सेल हुई है लेकिन इन दोनों के बीच में जिस चीज की सेल हुई है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एमपी में हुआ था। एग्जाम्पल के लिए मान लो एमपी में सेलर और बायर बैठे थे, सेलर दिल्ली का था, बायर पंजाब का था, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सेलर और बायर बैठे थे, दोनों ने कहा ठीक है जी डील डन। दिल्ली वाले ने कहा ठीक है पंजाब वालों मैं आपको ये सामान बेच दूंगा और आपके यहां भिजवा दूंगा। अब सर दिल्ली वाला कहता टैक्स मेरा क्योंकि सामान तो मेरे यहां से चला है, पंजाब वाला कहता टैक्स मेरा क्योंकि सामान मेरे यहां पहुंचा है, एमपी वाला कहता अरे रुको टैक्स तो मेरा है, असली कॉन्ट्रैक्ट तो मेरी स्टेट में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट तो मेरी स्टेट में हुआ था। ये तो छोड़ो सर एक बात की तो हद ही हो गई, दिल्ली से जब सामान पंजाब गया तो ये हरियाणा की टेरिटरी को क्रॉस करके गया। जैसे कि आपको जानते हैं दिल्ली से अगर पंजाब जाना हो तो हरियाणा क्रॉस करना ही पड़ेगा, चाहे आप गुड़गांव साइड से जाइए और चाहे आप रोहतक साइड से जाइए आपको हरियाणा क्रॉस करना पड़ेगा। हरियाणा वाले बोले जी टैक्स तो हमारा है। बोले क्यों? बोले माना दिल्ली से पंजाब में सेल हुई है लेकिन सामान का जो ट्रक है वो तो हमारी स्टेट में से निकल गई है। अब बताओ इतना झगड़ा बढ़ गया, दिल्ली वाले कहते टैक्स हमारा, पंजाब वाले कहते हमारा, एमपी वाले कहते हमारा, हरियाणा वाले कहते हमारा, टैक्स स्टेट का ही है लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टेट का है। मैं ये नहीं कहता कि टैक्स सेंटर का है, मोदी जी देख रहे हैं कि देखो लड़ पड़े ये लोग तो, दिल्ली पंजाब एमपी हरियाणा वाले तो ये तो एक दूसरे के बाल पकड़े बैठे। फिर मोदी जी आ गए बोले रुको भाई ऐसा है इसके ऊपर लॉ हम बनाएंगे। केजरीवाल ने कहा आप साइड हो जाओ, आप सेंटर वाले हो साइड हो जाओ, बी आर अंबेडकर जी ने कह दिया सेल टैक्स स्टेट का है, ये हमारा मसला है, हम सुलझा लेंगे। बोले आप नहीं सुलझा पा रहे हो ना, आप लड़ रहे हो, आप नहीं सुलझा पा रहे हो। बोले तुम टैक्स लेने की बीचों मत सोचना मोदी जी, आप टैक्स लेने की बीचों मत सोचना, ये पैसा स्टेट का ही है। मोदी जी ने कहा देखो ऐसा है हमें इस पैसे में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है, हम आपको क्लियर कर दें हमें इस पैसे में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये पैसा कौन सी स्टेट को जाएगा अब ये डिसाइड हम करेंगे, क्योंकि आप लोग तो लड़ रहे हो, लो हम बनाएंगे, लो हम बनाएंगे, हम बताएंगे ये पैसा दिल्ली का है या पंजाब का है या एमपी का है। तो सर मैं बता दूं यहां पर जो टैक्स लगता है ना इंटरस्टेट सेल में जो टैक्स लगता है उसका नाम है सीएसटी। सीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी का मतलब है सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये सेंट्रल नाम सिर्फ इसीलिए लगाया गया है क्योंकि इसके ऊपर जो लॉ बनाया ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। सर बता दो लॉ जो बनाया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है लेकिन जो टैक्स लगाए टैक्स का पैसा है वो स्टेट को ही मिलेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी बताएंगे कि ये पैसा कौन सी स्टेट को मिलेगा, ये बात मोदी जी बताएंगे कि ये पैसा कौन सी स्टेट को मिलेगा। सारी स्टेट चुप कर गई कि ठीक है बना लो। तो यूनियन लिस्ट में लिखा गया है मैटर क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। हालांकि इस टैक्स को लेवी करने की पावर और इस टैक्स को कलेक्ट करने की पावर, इस टैक्स को जेब में रखने की पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है।
क्वेश्चन यही था कि कौन सी स्टेट रखेगी। चलिए मैं इस बात पे पर्दा उठा देता हूं। यहां पे लिखा है जिस स्टेट से मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट हुई है ना, उस स्टेट का पैसा होगा टैक्स का। मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट, मैं लिख देता हूं मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट, जिस स्टेट से मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट हुई है ना, उसी स्टेट का पैसा माना जाएगा। यानी कि सर हमारी एग्जाम्पल में दिल्ली का पैसा माना जाएगा, हमारी एग्जाम्पल में दिल्ली का पैसा माना जाएगा। लेकिन ये बात डिसाइड किसने की? ये बात मोदी जी ने डिसाइड की। लेकिन ये पैसा किसका है? पैसा स्टेट का है। मैं फिर बोलूंगा नाम सेंट्रल सेल टैक्स है, लेकिन सेल टैक्स का पैसा सिर्फ स्टेट का होता है। और जो दिल्ली से दिल्ली में सेल होती है ना, इसके ऊपर लगने वाले टैक्स को हम बोलते हैं वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, वैट लगता है इसके ऊपर। और सर ये पैसा सिर्फ स्टेट का है, स्टेट गवर्नमेंट ही, स्टेट लेजिस्लेचर ही लॉ बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है लेवी करने की, कलेक्ट करने की, अपने पास रखने की, जनता में बांटने की एंड ऑल। अब यहां झगड़ा नहीं है, क्योंकि जो दिल्ली से दिल्ली में अगर सामान सेल होएगा तो नेचुरली बात है टैक्स दिल्ली के पास ही आएगा, क्योंकि सामान भेजने वाली स्टेट भी दिल्ली है, सामान कंज्यूम करने वाली स्टेट भी दिल्ली है, तो कोई झगड़ा था ही नहीं। इसलिए यहां पर सेंटर का कोई रोल है ही नहीं, ये वैट है और स्टेट गवर्नमेंट का है। ये सीएसटी है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन इसके ऊपर जो लॉ बनाया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है। प्लीज टेल मी सेल टैक्स पर कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? प्लीज आप मुझे बताइए सेल टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा, ये वाली बात आपको क्लियर है या नहीं है? हां जी सर क्लियर है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सर। ये जो कई बार ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है सर इंट्रा स्टेट सेल कौन सी होती है, इंटर स्टेट सेल कौन सी होती है, वो कहते जी मुझे ये तो याद है कि सेम स्टेट में सेल होती है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल होती है, लेकिन मैं भूल जाता हूं इंट्रा कौन सी थी, इंटर कौन सी थी। सर देखो मैं आपको समझाता हूं बड़े सिंपल तरीके से। इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट का मतलब होता है बिटवीन टू स्टेट, इंटर बिटवीन टू स्टेट। सर देखिए आपने नाम सुना है इंटरनेशनल मैच, ये तो सुना होगा आपने, क्रिकेट देखने वाले प्रेमी जानते हैं इंटरनेशनल मैच, दो नेशन के बीच होने वाला मैच, इंटरकास्ट मैरिज। अभी तो क्रिकेट प्रेमी थे, ये दूसरे प्रेमी है जो इंटरकास्ट को समझते हैं। तो इंटरकास्ट मतलब दो कास्ट के बीच में होने वाला जो है सेल होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरकास्ट, मतलब दो कास्ट में जो शादी होती है, दो डिफरेंट कास्ट में, वन कास्ट टू अनदर, तो दैट इज कॉल्ड इंटरकास्ट मैरिज। एक होता है वर्ड इंटरफेयर, वो अपनी लाइफ में होता है दूसरों की लाइफ में, वो दूसरों की लाइफ में होता है इंटरफेयर। तो इंटर का मतलब ही दूसरों के साथ कनेक्टेड होता है, तो आप ऐसे याद कर लो इंटर का मतलब इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट। आइए सर मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7 स्केड्यूल, 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट की बात चल रही है। एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का, कस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक्साइज, लेकिन ये एक्साइज अदर देन लीकर ओपियम और नैरकोटिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। 92A में लिखा है सीएसटी, मैंने आपको बता दिया 92A में सीएसटी जरूर लिखा है, ये लॉ जरूर सेंटर ने बनाया है, मतलब पार्लियामेंट ने बनाया है, लेकिन इसके ऊपर आने वाला टैक्स वो स्टेट का ही है। इसके बाद लिखा है एंट्री नंबर 92C सर्विस टैक्स, यस सर एंट्री नंबर 92C दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स। प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। सर्विस टैक्स नाम का जो टैक्स है, ये 1994 में लगा था, सर्विसेज पर लगता था, हालांकि अब ये खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि मैं तो आपको एक बैकग्राउंड समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि टैक्स क्या होता है, अभी मैं जीएसटी पे नहीं आया हूं, अभी मैं सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं, तो हम बात कर सकते हैं। तो एक सर्विस टैक्स लगा करता था, क्योंकि अब ये बिल्कुल भी इंडिया में नहीं है इसलिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं, लगा करता था, बाकी टैक्स आज भी इंडिया में कुछ लेवल तक है। हां जी, सर्विस टैक्स जो है वो इंडिया में लगा करता था और ये टैक्स सेंटर का हुआ करता था। ओके, एक एंट्री नंबर 97 है, इसे रेजुडरी एंट्री कहते हैं, सर्विस टैक्स आप काट दो, काटना चाहो तो यहां पे, इसे रेजुडरी एंट्री कहते हैं। अगर गवर्नमेंट को कोई नया लॉ बनाना हो, ब्लैंक एंट्री है ये, तो वो 97 के थ्रू बना सकती है। ओके, अब हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट लिस्ट के पास सबसे पहले पावर एंट्री नंबर 46 में है, जहां लिखा है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम पर लगने वाला टैक्स स्टेट का होता है,
मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स स्टेट का होता है, इसलिए इसको एंट्री नंबर 46 में लिखा गया। देन एंट्री नंबर 51, एंट्री नंबर 51 में लिखा है एक्साइज ड्यूटी, यहां थोड़ा मिसिंग है मैं लिख देता हूं, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या ओपीएम या नारकोटिक्स, इन तीन आइटम पर जो एक्साइज नाम की ड्यूटी है वो लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट। एंट्री नंबर 52, एंट्री ऑफ गुड्स इनटू लोकल एरिया, ये एक ऑक्ट्रोए नाम का टैक्स था, ऑक्ट्रोए नाम जो बहुत थोड़ी सी स्टेट में था, हर स्टेट में नहीं होता, थोड़ी सी स्टेट में था कि अगर आप दूसरी स्टेट से सामान लेकर आते हैं तो ऑक्ट्रोय यानी चुंगी नाम का टैक्स लगा करता था, दैट इज एंट्री नंबर 52। और एंट्री नंबर 54 यानी कि वैट, वो जो लोकल सेल टैक्स पे लगता है, दिल्ली से दिल्ली के अंदर जो सेल होती है उसके ऊपर लगता है, दैट इज वैट। हां जी, तो आपके सामने है यूनियन लिस्ट, आपके सामने है स्टेट लिस्ट। अब मैं वापस आपको लेके चलता हूं उस क्वेश्चन पर जहां से हमने शुरू किया था कि टैक्स का मतलब टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, बट द क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट, कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बट द क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट। आप बोलोगे हम बताएंगे विच गवर्नमेंट, आप टैक्स का नाम बताओ हम सरकार बताएंगे। वो बोले इनकम टैक्स किसको जाएगा, आप बोलोगे सेंटर को जाएगा। बोले एक्साइज किसको जाएगा, बोले भाई देख अगर तीन गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो स्टेट को जाएगा, बाकी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर है तो सेंटर को जाएगा। अच्छा कस्टम किसको जाएगा, सेंटर को जाएगा। सीएसटी किसको जाएगा, लॉ तो सेंटर बनाएगी लेकिन जाएगा स्टेट को, लॉ तो सेंटर बनाएगी लेकिन जाएगा स्टेट को। कौन सी स्टेट को जाएगा, जहां से गुड्स का मूवमेंट शुरू होगा। अच्छा सेल टैक्स कहां जाएगा, वो तो स्टेट को जाएगा। सर अब आपको पता है कि कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाता है, प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। पर अभी एक लिस्ट और बची, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये वो लिस्ट है जहां पर लो दोनों लोग मिलकर बनाएंगे, सेंट्रल और स्टेट दोनों है। यहां पर अभी तक बोधा गवर्नमेंट बनाएगी, बोधा गवर्नमेंट, लेकिन अभी तक यहां पर कोई टैक्स नहीं है, इसके अंदर ओनली सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स है, ओनली सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स है। सर मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं यहां पर, जैसे एजुकेशन, एजुकेशन के ऊपर बनने वाला लो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा पंजाब में, मैं बता सकता हूं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, लेकिन आप जानते हैं एक सेंटर का भी है सीबीएसई बोर्ड। अब वो सीबीएसई बोर्ड जो है वो तो पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन पंजाब स्कूल वाला बोर्ड जो है वो पंजाब वालों के लिए है, मतलब पंजाब स्टेट में एप्लीकेबल है। तो देखा जाए तो एजुकेशन के ऊपर दो बोर्ड है, एक स्टेट बोर्ड है और एक सेंटर बोर्ड है, एक स्टेट बोर्ड है एक सेंटर बोर्ड है। तो ऐसे लो कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे गए हैं। या मैरिज का केस जो है, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब सर आपके ना कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हैं। सेंटर की बात करूं यूनियन लिस्ट, एक बात और समझो, यहां पर जो हमारे है वो मोदी जी हैं। आपने ऐसे अज्यूम किया मेरे साथ पढ़ते हुए कि यहां पर मोदी जी है। मैं बता दूं ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट पावर है ना वो एक्सक्लूसिव पावर है। सर एक्सक्लूसिव पावर का मतलब क्या है, सर एक्सक्लूसिव पावर का मतलब है जो मैटर यूनियन लिस्ट में लिखे गए हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो मन करेगा वो करेगी, स्टेट गवर्नमेंट हैज नो पावर टू इंटरफेरेंस। इन अदर वर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन दिस। आई होप इट इज क्लियर। स्टेट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने देखा है कि यहां पर जो है वो केजरीवाल जी हैं, हालांकि केजरीवाल जी का जो चेहरा है वो मुझे इतना बढ़िया बना नहीं जितना मोदी जी का बना है, तो बना देता हूं ऐसी बात नहीं है, वो गलती से हो गया। जो लोग केजरीवाल जी के भगत है मुझसे नाराज मत हो जाना प्लीज। केजरीवाल जी है यहां पे, यहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो एक्सक्लूसिव पावर है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो एक्सक्लूसिव पावर है। ओनली स्टेट गवर्नमेंट हैज अ राइट टू डू एनीथिंग विद इन दीज एंट्रीज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो इंटरफेरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और यहां मैं बात करूं तो यहां पर हमें दोनों दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी भी हैं और केजरीवाल जी भी हैं, यहां मोदी जी हैं और साथ में केजरीवाल जी भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो हमें बताता है कौन सा टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा। देखिए सर मैं आपको दिखा देता हूं, हमने शुरुआत जो की थी आज व्हाट इज टैक्स की थी, फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स क्या है मैं आपको बता चुका हूं, फ्रॉम द टैक्स पेयर पॉइंट ऑफ व्यू टैक्स क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं, कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट। क्वेश्चन आया विच गवर्नमेंट, आपने देख लिया विच गवर्नमेंट कौन सा टैक्स जाएगा कौन सी गवर्नमेंट को, अब आप समझ चुके हैं। देखिए सर मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया है, वो एनालिसिस आप मेरे साथ देख लो, इट विल बी मोर कंफर्टेबल।
इनकम टैक्स आप बताते जाओ सर, इनकम टैक्स सर ये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सही है। कहां लिखा हुआ है सर? ये एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। एक्साइज ड्यूटी सर अगर लीकर पे है तो स्टेट गवर्नमेंट को, और ये 51 ऑफ द स्टेट लिस्ट में लिखी हुई, बिल्कुल सही। ऑन टबैको एंड अदर गुड्स ये जाएगी सर सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये एंट्री नंबर 84 ऑफ यूनियन लिस्ट में लिखी हुई है, सही है। कस्टम सर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी 83 ऑफ यूनियन लिस्ट, बिल्कुल सही है। सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी 92 सी एंड 97। सर देखिए सर्विस टैक्स आया तो 92 सी से था, लेकिन फाइनली गवर्न ये 97 से हुआ था, तो एंट्री नंबर 92 सी से ये रन नहीं हुआ तो ये 97 से चलाया जा रहा था, लेकिन आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है इस बात को, क्योंकि अब ये खत्म हो चुका है। वैट स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में है और 54 ऑफ द स्टेट लिस्ट। सीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के हिस्से में है, 92 ए ऑफ द यूनियन लिस्ट। जीएसटी मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया नहीं कि जीएसटी कौन सी एंट्री से आया, कैसे आया, मैंने नहीं बताया, क्योंकि सर जीएसटी के ऊपर एक पूरी डिस्कशन होगी इस बारे में कि जीएसटी आफ्टर ऑल इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, जीएसटी इंट्रोड्यूस कैसे हुआ इसके ऊपर एक पूरी डिस्कशन है, इसलिए मैं जीएसटी के आंसर तो यहां लिख रहा हूं लेकिन आपको समझा नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि जब समझाने का वक्त आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। लिख लेता हूं, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जो जीएसटी है वो दोनों गवर्नमेंट लगाती है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए सब आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। इंटर स्टेट सप्लाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, अभी आपको सीखना नहीं है, सिर्फ याद करना है। हमने लिख लिया है मोर देन सफिशिएंट, लिख लिया है मोर देन सफिशिएंट, करना कुछ नहीं है इसका। ओके सर मैं आपको एक बार ये दिखा चुका हूं, आइए जो नोट्स है ना आपके पास उसके ऊपर आइए, बुक जो आपके पास है, व्हाट इज टैक्स। सर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है व्हाट इज टैक्स। सर देखिए टैक्स के बारे में मैंने एक लंबी चौड़ी डिस्कशन आपके कर दी, अप्रोक्सीमेटली मोर देन 45 मिनट्स हो चुके हैं हमें, मोर देन 45 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली अंदाजा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कितना टाइम हुआ अभी, तो 45-50 मिनट हो गए हमारे डिस्कशन को जिसके हमने अंदर टैक्स की ही बात की है, लेकिन यहां पर लिखा है कुछ टैक्स की डेफिनेशंस। सर ये डेफिनेशंस मैंने जो CA, CS, CMA के स्टडी मटेरियल्स है वहां से चुराई है, मतलब वहां से कॉपी की है, जिसकी मतलब जो भी डेफिनेशन मुझे अच्छी लगी मैंने यहां कॉपी कर दी। ये सिर्फ बताने के लिए कि अगर आपको टैक्स की डेफिनेशन याद करनी है तो आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। आइए मैं डेफिनेशन पढ़ा देता हूं, व्हाट इज टैक्स। हालांकि टैक्स के ऊपर हम कितना डिस्कशन कर चुके हैं। अ टैक्स मे बी डिफाइंड एज अ पेकुनरी बर्डन। सर पेकुनरी बर्डन का मतलब होता है फाइनेंशियल बर्डन। सर इसका मतलब है जो टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है ये आपके ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन है। इसका मतलब है टैक्स हमें कैश में देना है, काइंड में नहीं देना। ऐसा नहीं है कि जी देखिए इस बार तो पैसे है नहीं जी, आप 2-4 कंबल ले लो समझ लो टैक्स आ गया, ऐसे नहीं होता। टैक्स इज नॉट इन काइंड, टैक्स इज ऑलवेज इन कैश। तो पेकुनरी बर्डन है जो लगाया जाएगा इंडिविजुअल के ऊपर या प्रॉपर्टी ओनर के ऊपर टू सपोर्ट टू गवर्नमेंट। तो हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए एक पैसा टैक्स लगाया गया, दैट इज कॉल्ड टैक्स। ए पेमेंट एग्जैक्टेड बाय द लेजिस्लेचर अथॉरिटी, एक ऐसा पेमेंट जो आपसे वसूला जा रहा है लेकिन बाय द लेजिस्लेचर अथॉरिटी। आप वो गन दिखा के नहीं वसूल रहे, पैसा तो वसूल ही रहे हैं। देखिए हफ्ता वसूली में और टैक्स वसूली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है मतलब फर्क है, टैक्स वसूली जो है वो अंडर एन एक्ट हो रही है, हफ्ता वसूली अंडर एन फोर्स ऑफ गन हो रहा है। वो आपको बंदूक देके पैसे निकलवा रहा है, दिखा के पैसे निकलवा रहा है, और जो टैक्स है वो एक्ट के प्रोविजंस दिखा के निकाल रहा है। तो है तो वसूली, टैक्स एक तरह से लोगों से है तो वसूली। ए टैक्स इज नॉट ए वॉलेंटरली पेमेंट और डोनेशन, टैक्स कोई वॉलेंटरली पेमेंट नहीं है, मैं दू दू ना दू ना दू मेरी मर्जी, भाई टैक्स है मेरी मर्जी दू ना दू, ऐसा नहीं है। इट इज एन इनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, आपको देना ही पड़ेगा, कोई च्वाइस नहीं है आपके पास। इन सिंपल वर्ड टैक्स इज नथिंग बट द मनी दैट पीपल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट विच इज यूज टू प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, बिल्कुल सही है। टैक्स वो पैसा है सरकार को दिया गया जिसके बदले सरकार हमें पब्लिक सर्विसेज देती है, राइट। टैक्स इज द प्राइस विच वी पे फॉर सिविलाइज्ड सोसाइटी, टैक्स वो कीमत है जो हम सभ्य समाज के लिए देते हैं, टैक्स वो कीमत है जो हम चुकाते हैं इसलिए कि हमें हमारी सोसाइटी सिविलाइज्ड मिलती है। आप बात समझिए, मैं आपको समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक आदमी के पास 8 कमरों का घर है, एक आदमी के पास एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 8-10 कमरे हैं,
लेकिन उस घर में दो ही लोग रहते हैं, मियां बीवी, वो आदमी और उसकी बीवी, दो लोग रहते हैं, दो बच्चे रहते होंगे। चलो अब क्या हुआ, दो बच्चे रहते हैं, एक मियां बीवी रहते हैं, कमरे आठ है घर में। सर सोचिए अगर जनता भड़क जाए, जनता बोले भाई यहां रहने को घर नहीं है, लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, ये आदमी आठ कमरों के घर में रह कैसे रहे, हम भी इसे घर में घुसेंगे, हम भी सोएंगे, ये क्या बात हुई भाई, इस आदमी को दो कमरे बहुत है, छह कमरे बोलो खाली करे, छह कमरों में हम लोग रहेंगे, ये क्या तरीका हुआ, लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, लोग के पास सोने की जगह नहीं है, ये इतना बड़ा घर लेके बैठे। सर सोचिए जिस आदमी के पास वो आठ कमरों वाला घर है वो डर गया, अगर सच में ऐसे लोग घुस आए तो मैं क्या करूंगा। वो सरकार को टैक्सेस देते हैं, सरकार उन्हें सुरक्षित करती है कि ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करिए, आपके पास आठ कमरों का घर है तो आप जैसे मर्जी रहिए, जिनके पास नहीं है उनको संभालना हमारी प्रॉब्लम है, उनको अलग तरीके से डील किया जाएगा। ये नहीं होगा कि गुंडागर्दी हो जाए, वो उनके घरों में घुस जाए, उन घरों में खुद रहने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। सिविलाइज सिस्टम रहेगा, एक सभ्य समाज रहेगा, उसके लिए चुकाई गई कीमत टैक्स है। टैक्स इज ए मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज लेवी इम्पोज्ड अपॉन ए पर्सन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू फंड वेरियस पब्लिक एक्सपेंडिचर। हाँ जी, तो मैंने बता दिया व्हाट इज टैक्स। सर देखिए हमने डिस्कशन कर लिया व्हाट इज टैक्स, नाउ द सेकेंड डिस्कशन इज टैक्स इज क्लासिफाइड इनटू डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर देखिए हम टैक्स क्या होता है ये पूरा पढ़ चुके हैं, अब बारी है ये पढ़ने की कि आखिरकार डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। तो शुरू करते हैं डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डेफिनेशन आपके सामने है, लेकिन मैं इसको पहले आपको पढ़ाऊंगा पीपीटी से। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है हम पीपीटी से पढ़ेंगे, एंड देन फिर मैं आपको बुक की लैंग्वेज पढ़ा दूंगा क्या लिखा हुआ है। सर देखिए टैक्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। सर मैं पहले इनडायरेक्ट टैक्स से शुरू करता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इनडायरेक्ट टैक्स ही शुरू कर रहे हैं तो पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप ही है। ओके एनीवेज मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। सर सुनिए इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, आइए इस पर डिस्कशन करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सर मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया, मैंने कहा मुझे एक मेडिसिन चाहिए, मैंने उसको वो जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था वो दिखा दिया, उसने मुझे एक मेडिसिन दी जिसके ऊपर 200 रुपए की थी, उसने बोला जी ये मेडिसिन 200 रुपए की है, मैंने उस पर एमआरपी देखा, एमआरपी 200 रुपए लिखा हुआ था, लेकिन एमआरपी के ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी कि उस 200 रुपए में टैक्सेस भी शामिल है। मैंने उस दुकानदार से कहा भाई साहब एक बात बताओ इसमें टैक्स कितने हैं, उसने बोला जी चलो मैं बता देता हूं आपको 20 रुपए टैक्स है, 180 रुपए की दवाई है, 20 रुपए टैक्स है, टोटल 200 रुपए है। मैंने उस दुकानदार से कहा जी आप एक काम करो मेरे से 180 ले लो, ये जो 20 रुपए का टैक्स है ये मेरा टैक्स है, मैं गवर्नमेंट को खुद ही जमा करवा दूंगा। आप बताइए क्या दुकानदार इस बात से मान जाएगा, क्या दुकानदार मुझे बोल देगा ठीक है आप हमें 180 दे दो और जो 20 रुपीज के टैक्स है वो आप गवर्नमेंट को खुद देना, बिल्कुल भी नहीं। दुकानदार बोलेगा जी ये पॉसिबल नहीं है, आपको पूरे 200 रुपए हमें देने पड़ेंगे और फिर जो 20 रुपए का टैक्स है वो जिम्मेवारी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर डाली है टैक्स पहुंचाने की, आपके ऊपर टैक्स आप टैक्स आपको देना है, गवर्नमेंट मुझे बोल रही सॉरी वो मेडिकल स्टोर वाला मुझे बोल रहे टैक्स आपको देना है लेकिन आपके पैसे को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है, जेब के आपकी ही जेब से निकलेंगे 20 रुपए लेकिन सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है, आप खुद सरकार तक नहीं जा सकते हैं पहुंचाने के लिए, वो हमें ही देके आने हैं। सर ये सिस्टम है एंड दिस सिस्टम इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये इनडायरेक्ट कैसे हुआ, मेरा पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है पर क्या मैं उसे डायरेक्टली जमा करवा रहा हूं या किसी के थ्रू जमा करवा रहा हूं। सर आप उसे किसी के थ्रू जमा करवा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स मैं पे कर रहा हूं लेकिन मैं खुद गवर्नमेंट को जाके पे नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिकल स्टोर वाले के थ्रू कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं जाके देके आऊंगा, मुझे उसके थ्रू ही देना है, यही सिस्टम है। देखिए सर गवर्नमेंट ने यहां पर दो वर्ड मैं यूज करूंगा, एक वर्ड होता है लेवी, एक वर्ड होता है बर्डन। लेवी का मतलब होता है सर इंपोज, इंपोज का मतलब है ड्यूटी किसके ऊपर है,
इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्सेस को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की ड्यूटी किसके ऊपर है? सर ये मेडिकल स्टोर वाले के ऊपर है उस एग्जांपल में, बिल्कुल सही है, लेकिन बर्डन किसके ऊपर है, किसकी जेब से निकला? सर वो तो कस्टमर की जेब से निकला है, आपकी जेब से निकला है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां लेवी एंड बर्डन ऑन टू डिफरेंट पर्सन है, जहां लेवी एंड बर्डन ऑन टू डिफरेंट पर्सन है उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लगाया किसी और पर जाता है, जेब किसी और से निकलता है। सरकार मेडिकल स्टोर वाले को बोलती है हमें आपसे मतलब है, हम आपसे टैक्स लेंगे, जनता से हम बात नहीं करेंगे, आप जनता से लो और फिर हमें पहुंचाओ। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस है, वो मैं आपको एक एक करके करवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप। तो एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन यह भी हो गई कि टैक्स इज अल्टीमेटली पेड बाय द कंज्यूमर बट ही पेड थ्रू द डीलर, बट ही पेड थ्रू द डीलर, वो खुद पे नहीं करता, वो डीलर के थ्रू करता है, बिल्कुल सही है। सर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सर डायरेक्ट टैक्स में लेवी एंड बर्डन ऑन द सेम पर्सन होता है, जिसके ऊपर लगाया गया है उसी की जेब से निकलता है। जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स, अब इनकम टैक्स जो है वो मेरे ऊपर लगाया गया है और मेरी ही जेब से निकलेगा। इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगाया गया और मतलब मुझे ही दे के आना है, गवर्नमेंट ने ड्यूटी भी मेरी लगाई है कि मुझे दे के आना है और मुझे अपनी ही जेब से देना है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। सर अब एक बात करता हूं, छोटी सी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूं। एक स्टूडेंट कहता जी मेरा इनकम टैक्स है, मैंने कहा ठीक है, बोला मैं गवर्नमेंट को देता हूं लेकिन मैं तो सीए के थ्रू देता हूं, मैं सीए को देकर आता हूं और सीए सरकार को तक पहुंचाता है, तो क्या ये इनडायरेक्ट नहीं होगा? बिल्कुल भी नहीं। सरकार ने लेवी सीए पे नहीं किया, सरकार ने नहीं बोला कि सीए ही लेके आएगा, हम सीए से ही लेंगे, दूसरे से नहीं लेंगे। आपने अपने एक एजेंट अपॉइंट कर लिया अपने बीच टैक्स को पहुंचाने के लिए, आपने सीए को अपॉइंट किया है, सीए तो एक तरह से आपके बिहाफ पर जाके जमा करवा रहा है, वो आप ही जमा करवा रहे हो, बस ये समझ लो आपने पैसे सीए को दे दिए कि जा तू जमा करवाया, वो आप पर ही ड्यूटी है। सर जमा करवाने कौन गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसकी ड्यूटी है ये इंपॉर्टेंट है, लेवी मतलब इंपोज किसके ऊपर है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सर आप जब भी डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना, हमेशा बोला करो लेवी एंड बर्डन अगर सेम पर्सन पे है तो इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, एंड लेवी एंड बर्डन अगर दो डिफरेंट पर्सन पर है तो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक क्लियर है। आगे चलते सर, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन मीन्स टैक्सेस विच आर पेड बाय वन पर्सन बट ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। यहां पेड का मतलब है जो गवर्नमेंट को देके आता है, पेड टू गवर्नमेंट यानी कि जो डिपॉजिट टू गवर्नमेंट करता है, डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। तो विच आर पेड बाय वन पर्सन, सर यहां वन पर्सन का मतलब है डीलर, मेडिकल स्टोर वाला। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जो डीलर सरकार को देके आता है बट वो अपनी जेब से नहीं, ही कैन रिकवर इट फ्रॉम अनदर पर्सन। यस सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड, यस सर इसमें बर्डन शिफ्ट हो गया। एक तरह से पहले डीलर को लग रहा था मुझे देके आना है लेकिन वो अपनी जेब से नहीं देके आएगा, वो तो पैसे रिकवर करके देके आएगा कस्टमर से, तो एक तरह से बर्डन कैन बी शिफ्टेड। देखिए सर मैं आपको इसको ना एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, यू विल मेक इट मोर क्लियर। इस एग्जांपल को समझो पहले आप, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम बाद में करेंगे। सर पूरा सिस्टम इस एग्जांपल के अंदर इनकॉर्पोरेट है। एक मिस्टर एक्स है, एक वाई है। एक्स कौन है? सर एक्स जो है वो सेलर है, वाई जो है वो कौन है? वाई बायर है। एक्स सेलर है, वाई बायर है। एक्स वाई को गुड्स सेल करता है यानी एक्स वाई को सामान बेचता है। एक्स वाई को बोला देखो मेरा सेल प्राइस है 100 रुपए प्लस मैं तेरे से लूंगा टैक्स 10 रुपए, मान लो टैक्स का रेट 10% है। तो पूरा सिस्टम यह है, जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं तो एक्स से आप सामान खरीदते हैं, वो आपको 100 रुपए का सामान देता है, 10 रुपए टैक्स के लेता है, टोटल आपसे लेता है 110 रुपए। आप बताइए ये 10 रुपए जो है जो टैक्स के नाम के हैं, क्या ये एक्स अपनी जेब में रख लेगा या आगे गवर्नमेंट को देके आएगा? सर एक्स ये 10 रुपए लेकर डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को, डिपॉजिट कर देगा गवर्नमेंट को। बताइए गवर्नमेंट किससे मांगेगी टैक्स? गवर्नमेंट सर एक्स से मांगेगी, लेकिन एक्स अपनी जेब से देगा या वाई से रिकवर करके दे रहा है? सर एक्स वाई से रिकवर करके दे रहा है, बिल्कुल सही। इस पूरे एग्जांपल को समझ लो, ये पूरी एग्जांपल हमारे रियल लाइफ में है। एक्स मेडिकल स्टोर वाला है, वाई मैं हूं, सरकार सरकार है।
मैं एक्स के पास गया, उसने मुझसे 110 रुपए मांगे, 100 अपनी जेब में रख लिए और 10 रुपए सरकार तक पहुंचा दिए। पहला क्वेश्चन आता है हु इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। मेरा क्वेश्चन है ये कौन है जो गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाने के लिए लाइबल है, कौन है जो गवर्नमेंट को दे के आएगा टैक्स? जवाब है एक्स। सर हम इस चैप्टर में पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में जो जो टैक्स पे करता है वो हमारी नजर में डीलर है, पेयर। क्वेश्चन है हु बियर्स द एक्चुअल बर्डन ऑफ टैक्स। एक्चुअल बर्डन किस पर है? एक्चुअल बर्डन की बात करें तो वो वाई पर है। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। यस, कुछ एग्जांपल देता हूं इनडायरेक्ट टैक्स की। कस्टम एक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है। आई होप इट इज क्लियर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सर देखिए इनडायरेक्ट टैक्स के एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज की क्लास इंट्रोडक्टरी चल रही है, हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं, टैक्स के बारे में बातें कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जीएसटी का लेवल हमारा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा। एडवांटेज की बात करें तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू डीलर। सर पहला एडवांटेज जो है वो डीलर को साइकोलॉजिकल है। मेडिकल स्टोर वाले को एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है कि यार मैंने कौन सा अपनी जेब से टैक्स देना है, अगर टैक्स के रेट बढ़ भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो कस्टमर से लेकर ही देना है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ साइकोलॉजिकल एडवांटेज टू डीलर। लेस टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी इनडायरेक्ट टैक्स में डायरेक्ट टैक्स के कंपैरेटिवली कम होती है। रीजन बहुत सिंपल है, जिस बंदे ने गवर्नमेंट को टैक्स देना है वो टैक्स की चोरी क्यों करेगा, जब उसने टैक्स किसी और से लेकर देना है तो बिना बात के चोर बनने की जरूरत क्या है। देखिए सर अगर मेरा डायरेक्ट टैक्स है तो वो मेरी जेब से जाना है, मैं कोशिश करूंगा मेरी जेब से जाने वाला टैक्स कम जाए, लेकिन अगर मुझे किसी से लेकर गवर्नमेंट को देना है तो मैं क्यों कोशिश करूंगा कि मैं चोर बनूं। भाई मैं चोर क्यों बनूं, मुझे तो किसी से लेकर आगे देने हैं तो मैं बिना बात के चोर क्यों बनूं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में टैक्स की चोरी होने के चांसेस कम है इन कंपैरेटिव टू डायरेक्ट टैक्स। सर अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें रिजिड, रिजिड का मतलब सर आप समझिए, रिजिड का मतलब है देखिए जो डायरेक्ट टैक्स है ना वो एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है ना टैक्स बढ़ता जाता है। अगर आप 2.5 लाख तक इनकम कमाते हो तो टैक्स लगता ही नहीं, 2.5 लाख से ऊपर कमाते हो, 5 लाख तक कमाते हो तो सिर्फ 5% टैक्स है, 5 लाख के ऊपर कमाते हो तो 20% टैक्स है, 10 लाख के ऊपर कमाते हो तो 30% टैक्स है। जैसे जैसे अमीर होते जाएंगे आप, आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब गरीबों पर कम, बिल्कुल गरीबों पर तो है ही नहीं, फिर थोड़े से जो लोअर क्लास है उन पर है, फिर मीडियम क्लास, फिर हायर क्लास, ऐसे कुछ बना हुआ है। जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे वैसे वैसे टैक्स ज्यादा होता जाएगा। लेकिन सर देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में ये बेनिफिट नहीं है, ये बेनिफिट नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स में गरीब हो अमीर हो टैक्स बराबर, अनिल अंबानी मेडिसिन लेने जाए या आप मेडिसिन लेने जाओ बात बराबर है। अगर 110 रुपए की मेडिसिन है और उसमें 10 रुपए टैक्स है तो आपने भी 10 रुपए टैक्स दिए सरकार को मेडिकल स्टोर वाले के थ्रू, और अनिल अंबानी ने भी 10 रुपए टैक्स दिया है मेडिकल सरकार को मेडिकल स्टोर वाले के थ्रू। यानी कि अमीर गरीब दोनों के लिए टैक्स बराबर लग रहा है। दिस इज कॉल्ड रिजिड, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। इन अदर वर्ड्स हम इसे कहते हैं इट इज रिग्रेसिव, ये रिग्रेसिव है। डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो प्रोग्रेसिव है। दूसरा है इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यस सर, आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे इतना खर्चा आ जाएगा, फिर टैक्सेस को भी तो सोचो, जब आप ऐसा वैसा करोगे तो उसके ऊपर टैक्स भी तो लगेंगे तो और ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो टैक्सेस की वजह से वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है और कई बार इसी वजह से आप पीछे हट जाते हैं। तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज टेल मी आपको इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्लियर हुए या नहीं हुए। चलिए मैं आपको बुक से दिखाता हूं। मैंने आपको बता दिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर देखिए डायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच आर द टैक्स पेयर डायरेक्टली फ्रॉम हिज इनकम वेल्थ स्टेट, व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच द टैक्स पेयर इनडायरेक्टली, दैट इज व्हाइल परचेजिंग गुड्स कमोडिटी पेइंग फॉर सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर पेड बाय वन पर्सन बट ही कैन रिकवर फ्रॉम अनदर पर्सन। ये मैंने आपको डेफिनेशन वहीं पे करवा दी, ये वही दो स्लाइड्स है जो मैंने आपको दिखाई थी। एडवांटेज डिसएडवांटेज मैं आपको करवा चुका हूं। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली फेल्ट बाय द पेयर, बर्डन इज इनडायरेक्टली फेल्ट बाय द पेयर।
हालांकि डीलर दे के आता है लेकिन वो इनडायरेक्टली फेल्ट करता है। द बर्डन कैनॉट बी शिफ्टेड, आपका जेब से ही जाएगा और आप ही को जमा करवाना है। बर्डन कैन बी शिफ्टेड, जिसने जमा करवाना है वो दूसरे से लेके जमा करवाता है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डज नॉट रिफ्लेक्ट द टैक्स, इनकम टैक्स में प्रोडक्ट का कोई कनेक्शन नहीं है, उस पर प्राइस का कोई कनेक्शन नहीं है, टैक्स का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में जो प्राइस है वो टैक्स से बढ़ता घटता है। टैक्स ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा है, टैक्स कम है तो प्राइस कम है। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स आर इनकम टैक्स, आज के दिन एग्जाम्पल की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है। किसी जमाने में वेल्थ टैक्स भी हुआ करता था लेकिन वो तो हट गया। या एक और टैक्स था जिसका नाम, एक और टैक्स है अभी भी है, हाउस टैक्स। जो हम हाउस टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को वो भी डायरेक्ट टैक्स है, हालांकि दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, लेकिन हाउस टैक्स इज ऑल्सो ए डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो आज के दिन जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। टैक्सेशन सिस्टम कैन बी डिफरेंशिएट एंड यूजली डज बिटवीन रिच एंड पुअर, गरीबों पे कम अमीरों पे ज्यादा। टैक्सेशन सिस्टम डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रिच एंड पुअर, गरीब हो अमीर हो बराबर टैक्स लग जाता है, बराबर टैक्स लग जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। प्लीज टेल मी, आपको डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप इट इज क्लियर। तो सर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। पहले आप समझो आज की क्लास हमने क्या कर लिया, हमने व्हाट इज टैक्स क्या है वो कर लिया, टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को जाएगा ये कर लिया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है ये कर लिया। अगला टॉपिक है व्हाई नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, आखिर क्या जरूरत थी जीएसटी को इंडिया में लेके आने की, आखिर ऐसा क्या कमी थी पुराने टैक्सेस में जिनको खत्म करके हम जीएसटी को इंडिया में लेके आए, ऐसी क्या कमी थी? सर इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, बट वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप आप लोगों को आज पहली क्लास क्लियर होगी होगी, समझ में आई होगी। सर पहली क्लास पूरी तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास थी, ये आपने इंटर लेवल पर भी पढ़ी हुई थी, फाइनल लेवल पर पढ़ रहे हो, सेम पढ़ रहे हो और सेम है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो सेम ही रहेगा, वो कैसे चेंज होगा। अब धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू होंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा फाइनल लेवल का जो टैक्स है अब वो हम कवर करेंगे। चलिए सर आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय।